वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है ऑलरेडी, जिसका यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो गाइस, सबसे पहले चीज़ जो हमें गिवन है, लाइन ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि जो हमारी ये वाली लाइन है, दिस लाइन इज इक्वल टू बी सी। एंड सेकेंड थिंग जो हमें गिवन है वो है एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, यानी कि जो ये वाला पूरा एंगल है वो इक्वल कह रहे हैं इस पूरे एंगल के। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन टू। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। हमारा ये वाला ट्राइंगल है ए बी डी, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इस ट्राइंगल की। ओके गाइस, अगर हम इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम गिवन क्वेश्चन से देखें तो हमारे पास ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके, हमारा जो एंगल है वो ऑल्सो इक्वल है डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। ये हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है। सो गाइस, दो चीज़ें तो हमें मिल गई कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे ट्राइंगल को। सो जो थर्ड थिंग है वो अभी मैं आपको सोल्यूशन में कराऊंगा। सी डी इज इक्वल टू बी सी, रीजन लिखेंगे हमारा गिवन है। ठीक है गाइस, जो हमारा सेकंड थिंग है वो है हमारा एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए के। ओके गाइस, ये भी हमें गिवन है तो हम इसका भी रीजन लिखेंगे गिवन। और जो थर्ड थिंग है, देखो गाइस, अगर आप अच्छे से देखो तो आपको यहाँ पर ए बी लाइन, जो हमारी ए बी लाइन है वो कॉमन लाइन है दोनों ही ट्राइंगल्स के बीच। ठीक है गाइस, तो हम इस वाली लाइन को लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए बी, रीजन हम लिख देंगे यहाँ पे कॉमन लाइन, कॉमन लाइन बाय द रूल ऑफ एस ए एस। जो हमारा ट्राइंगल है ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाय रूल ऑफ एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। सो गाइस, ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो गाइस, ये है हमारा सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। इसमें हमें प्रूव करना है कि जो हमारी लाइन है बी डी वो बराबर है ए सी के। सो गाइस, अभी हम इसे कैसे इक्वल शो करेंगे। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया है कि जो हमारा ट्राइंगल है डी ए बी वो इक्वल है बी ए सी के। सो अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारा डी बी है या बी डी है वो इक्वल हो जाएगा ए सी के बाय सी बी सी डी। सी पी सी डी क्या है गाइस, ये मैंने आपको फर्स्ट मेरे पिछले वीडियो में बताया हुआ है जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन किया है। ओके गाइस, अभी हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी हमें प्रूव करना है। सो गाइस, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है बिकॉज हमने इसके रिलेटेड जो जिसकी नीड थी हमें उस एंगल उस ट्राइंगल को हमने पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। सो इसको हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं सी बाय सी पी सी
सिंपलिसिटी। ओके गाइस, सो ये है हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, और इसी के साथ में हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है पूरा सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।